आज मैं सचिन नंदिचा आपके सामने क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स का एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ आपके सामने बताने जा रहा हूं। देखिएगा डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास में देखिए डी मॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फर्स्टली ए देन सेकेंड वन जो है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे दो डी मॉर्गन्स लॉ हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से इनको देखिएगा और समझिएगा। इनको करने से एक चीज और भी है कि इस चैप्टर वन में जो हमारे पास में सेट्स में क्या यूनियन होता है क्या इंटरसेक्शन होता है क्या कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी हम इसके जरिए बहुत आसानी से जान पाएंगे। इसे हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। तो आइए सबसे पहले मान लीजिए हम फर्स्ट वाला करते हैं ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए मान लीजिए हमने कोई यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये हमारे पास में कोई यूनिवर्सल सेट दिया है। अब इसमें हमारे पास मान लीजिए ए सेट गिवन है 2, 4, 6, 8 और बी सेट गिवन है आपके पास 2, 3, 5 और 7 ये आपने दो सेट ले लिए हैं। अब जरा ध्यान से देखिए हमें अगर ये डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करने हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ जरूरत होगी ए के कॉम्प्लीमेंट की और एक बच्चों बी के कॉम्प्लीमेंट की। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो आइए ए के कॉम्प्लीमेंट में आपके पास में याद रखिएगा ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो यूनिवर्सल सेट में ए है उसको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में बचा है वो आपका कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। आइए ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू निकाले तो हमने लिखा है यू माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो उसे यूनिवर्सल सेट यू में से माइनस कर दीजिए तो बाकी का जो बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट है वो ही आपके ए के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो जरा देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास में आ जाएगा यू में से ए को माइनस कर दीजिए मीन्स 2 यहाँ से चला जाएगा 4, 6 और 8 इसको छोड़ के आपके पास जो बचेगा जैसे कि 1, 3, 5, 7 और 9 ये आपके कहलाएंगे बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी के बाद में हम बी के कॉम्प्लीमेंट की जरा बात करते हैं तो वो आपके पास में होगा यू माइनस बी। तो आइए यूनिवर्सल सेट यू में से आप बी को माइनस कर दीजिए मीन्स यहाँ से आपके पास में 1 रह जाएगा। उसके बाद देखिए 3 आपका यहाँ पर है तो इसको भी नहीं लिख सकते देन 4 उसके बाद में आपके पास 6, 8 और 9 ये आपका हो गया बच्चों बी का कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी चीज का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको डेफिनेटली उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने हैं उसके एलिमेंट। तो आइए देखिए अब हमारे पास ए है बी है ए का कॉम्प्लीमेंट है और बी का कॉम्प्लीमेंट है। नाउ वी हैव टू शो दैट अब हमें लाना है जो चीज हमें लेकर आनी है वो हमारे पास में क्या है। तो जरा देखिएगा हमें जो लाना है वो हमें दिया गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आइए इसका हम LHS लेते हैं सबसे पहले। तो LHS में हमारे पास में है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जरा ध्यान से देखिएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए यूनियन बी। आइए ए सेट आपके पास में क्या है दिखाई दे रहा है 2, 4, 6, 8 यूनियन यहां पर आपके पास बी के कॉम्प्लीमेंट की जगह पर है 2, 3, 5, 7 ये लिख लिया है हमने। अब आप देखिए दो सेट्स का यूनियन किस तरह निकाला जाता है। दो सेट्स का यूनियन निकालने का मतलब होता है इनमें से सभी डिजिट्स को आपको लिखना है लेकिन जो डबल बार आएगा उसे आपको एक बार लेना है। आइए देखिए कैसे 2 यहां पर भी है इसलिए एक ही बार लिखा है 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आपने सभी को ले लिया। अब हमें LHS में यहाँ पर चाहिए बच्चों A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो आइए A यूनियन B का जैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट U में से हम माइनस कर देंगे A यूनियन B को। आप समझिएगा कॉम्प्लीमेंट कभी भी जिसका भी निकालना है उसको आपको गिवन यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है।
तो आइए देखिए, यू में से जब हम ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे रह जाएगा 1.9। जब 1.9 रह गया, यही हमारा इक्वेशन, हम इससे ले लेते हैं 1। ये हमारा एक तरफ एक LHS पूरी तरह निकल चुका है। अब हमें RHS में चाहिए बच्चों A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। आइए देखें, RHS लेके हम यहाँ पर ले लेते हैं A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। आइए, A का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, हम निकाल चुके हैं 1.3579, और हमारे पास इंटरसेक्शन में आपके पास B का कॉम्प्लीमेंट है 1.4689। जरा ध्यान से देखिएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसका दोनों का इंटरसेक्शन है, तो आइए दोनों में क्या ऐसी चीजें जो दोनों में आपको दिखाई दे रही है, तो वो दिखाई दे रहा है 1.9। तो देखिए, ऐसा करने पर हमारे पास में ये भी 1.9 आया और ये भी 1.9 आया। हम दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो बाय इक्वेशन 1 and 2 LHS RHS इक्वल टू RHS। देखिए, बाय इक्वेशन 1 and 2 RHS इक्वल टू RHS, और जब किसी का RHS इक्वल होता है बच्चों, तो LHS भी आपस में इक्वल हो जाता है। इससे हम ये प्रूव करके ला चुके हैं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह आप आसानी से यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सभी निकालना सीख सकते हैं।